लेकर के कभी भी देश से बाहर चला जाएगा। हाँ। देश का आदमी को कहेगा कभी थाली बजाओ कभी ताली बजाओ, राम मंदिर में जाकर के कटोरा लेकर के भीख मांगो। मतलब मोदी जी का जो है 15 लाख जो है फेल हो गया, अब आप 1 लाख महिलाओं को दे रहे हैं। हाँ, वो रक्षाबंधन के दिन इसी साल में 15 रक्षाबंधन। चोर बाजार बैठा है, सारा का सारा चोर बैठा है, विदेश से काला धन लाएंगे, 15 लाख सबके खाते में देंगे। जुमलोबाज की सरकार है। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप DNY न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त मैं सुपौल जिला के नेहा सिमर में मौजूद हूं और आज जो है यहां पर तेजस्वी यादव का जनसभा था। यहां आप देख सकते हैं मंच लगा हुआ है, पीछे पंडाल लगा हुआ है। अभी कुछ देर पहले ही जो है तेजस्वी यादव यहां से जनसभा को संबोधित करके निकले हैं। तमाम कार्यकर्ता जो है यहां पे देख रहे हैं कि घूम रहे हैं, यहां RJD के जितने भी कार्यकर्ता है तमाम कार्यकर्ता यहाँ घूम रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, आम जनता से बात करेंगे कि तेजस्वी यादव आए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा, उसको लेकर जो है तमाम बातें हम करेंगे। आइए, क्या भैया क्या कहें, तेजस्वी यादव जी आए हुए थे। तेजस्वी यादव इस बार जो है ना 40 पार। अच्छा, 40 पार नहीं, 40 के बराबर 40 सीट है ना, एक भी नहीं देना है। नहीं, इस बार एक भी नहीं देना है। क्या कुछ कहे, तेजस्वी जी आए हुए थे मंच से, क्या कहे आप लोग? तेजस्वी जी कहे कि तेजस्वी जी अभी जो केंद्र सरकार UPA सरकार जो रखे हैं कि महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपया हर के खाते में जाएंगे और 1 करोड़ रोजगार सरकार। मतलब मोदी जी का जो है 15 लाख जो है फेल हो गया, अब आप 1 लाख महिलाओं को दे रहे हैं। हाँ, वो रक्षाबंधन के दिन इसी साल में 15। अच्छा। रक्षाबंधन के दिन जीतने के बाद। हाँ, जीतने के बाद जब सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, उसके बाद कहीं मोदी जी के तरह जुमला तो नहीं निकला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जुमलेबाज, इतना झूठेबाज हम लोग जो कहा है वो किया है। अच्छा, जो भी अगर अभी देखा जाए जो कुछ दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, रेल को बेचा किसका था। अच्छा, और क्या क्या मुद्दा है आप लोगों का, RJD कांग्रेस महागठबंधन का, गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है, पेंशन मात्र 400 रुपया मिल रहा है, लोग आवाज उठा रहे हैं पेंशन भी बढ़ना चाहिए। देखिए वृद्धा पेंशन मुद्दा, वृद्धा पेंशन देखिए जितना आज से जो 10-15 साल पहले जितना मिल रहा था वही आज भी मिल रहा है। देखा जाए तो महंगाई बढ़ गई, सिलेंडर का क्या हो? पर ये बात पूरा कर लीजिए, महंगाई बढ़ गई। हाँ। बेचारा वृद्धा पेंशन जो जिन लोगों को मिल रहा वो नहीं बढ़ा। गैस सिलेंडर हम खुद 410-440 लगभग याद है मुझे जैसा, मैं उस रेट में सिलेंडर अपने रीजन में लाया हूँ। आज जो लाने के लिए जाता हूँ 1200, अभी हाईएस्ट रेट मुझे 1200 दिखा, क्या है घटना चाहिए? आप घटा दीजिएगा। हम नहीं घटाएंगे, आपकी सरकार घटा देगी। हम हमारी सरकार नहीं, वोट हम देंगे सोच समझ के देंगे और ऐसे पार्टी को देंगे। देखिए इस बार हमको बदलाव चाहिए। अच्छा। बदलाव, और बदलाव देखिए पूरे भारत के अंदर देखिए बदलाव आ रही है। देखिए जनसभा अभी राहुल गांधी जी सभा किए हैं, उसके अंदर संबोधित किए, देखिए उसके अंदर रैली में कैसी जनसंख्या है, समझ रहे हैं सब। महंगाई किसका हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में, केंद्र सरकार या आदि गोदी में से है? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा गोदी वाला यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, वो उल्टा उसका हिम्मत नहीं है यहाँ तक पहुँचे। ये बात तो आपका सही, हम लोग शायद इसी क्षेत्र से हैं, किशनपुरे से हैं हम लोग। अच्छा, किशनपुर से। आप खुद देख रहे होंगे अभी जनसंख्या कितनी थी, आपने देखा, आप ऐसे अभी आंकड़ा अंदाजा भी लगा सकते हैं, इस आंकड़े से आंकड़ा भी उठा सकते हैं कैसा बदलाव होगा। बदलाव होगा, देखिए दुख इस बात का नहीं है सुपौल जनता, सुपौल की जनता को, दिलेश्वर कामत जी जब से जीत करके गए, एक बार भी अगर सुपौल, हम उसको शायद हम पहली बार हम देखे थे तो इससे पहले जो चुनाव था उसमें पोस्टर में हम देखे थे, और अभी देखे हैं तो उसको सुपौल में वो भी पोस्टर में देखे दिलेश्वर जी को, हम इससे पहले नहीं देखे, ऐसे फेस टू फेस कभी नहीं देखे, जो सच बात है। या बीच में हम फोटो भी देख लेते तो हम कहते हैं कि हाँ, लेकिन आज तक दिलेश्वर जी को हमने देखा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई सदन के अंदर बैठते हैं, कोई सुपौल के लिए कोई काम करने के लिए सदन में पहले वो बात रखे, कोई भी बात नहीं रखे। हम लोग भैया देखिए तेजस्वी यादव जी से एक ही यही निवेदन है, वो भी हम लोगों को जैसे आज से पहले जो रोजगार दिए हैं, आगे आने के बाद भी रोजगार, देखिए युवा लोगों को चाहिए रोजगार, रोजगार नहीं मिलेगा तो भैया कुबारा बनना है उसको, शादी करेगा तो बोले तो थे सरकार बनने के बाद जो है बिहार में 10 लाख रोजगार देंगे, कहाँ पूरा पाया 10 लाख कहाँ पूरा, सुनिए अपना 10 लाख पूरे का पलटिए, पहले मार गया पलटू, क्या करेगा
क्या करेगा तेजस्वी भाई? पलटू को फिर लाते का है ये बताइए। देखिए विश्वासघात कई बार होगा आपके साथ, एक बार विश्वास कीजिएगा आप। अगर अब तो विश्व विख्यात हो चुका है पलटू चाचा, तो अब तो किसी भी पार्टी को जो है उसको सताना ही नहीं। नहीं अभी वो हमारे मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं वो भी कसम खाए थे, पता नहीं कैसा कसम था। हमको भी ये नहीं समझ में आता राजनेता लोग का क्या कसम रहता है, कसम का कोई यही नहीं है। दिन में खाता है रात में रात टूटी। हाँ यही हो ये रहा। चलिए और भी आरजेडी के यहाँ चाहने वाले हैं, आरजेडी के समर्थक हैं, सभी से हम बात करेंगे। क्या भैया आए थे जनसभा में? चलिए नहीं बोलेंगे तो काहे लग देख रहे हैं महाराज, नहीं बोलिएगा तो। चलिए सर कामत के जैसे मौन व्रत रखा है, क्या हुआ मौन व्रत रखा है जिले सर कामत की तरह? अच्छा 10 साल में 10 बार भी संसद में नहीं बोला वो। आप लोग युवा हैं जी, युवा नेता आपका तेजस्वी जी आए हुए थे जी, क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन दिया? वादा किया, आधा 5 लाख दिया, 5 लाख और नौकरी देंगे, लेकिन कम से कम केंद्र कुछ सहयोग करेंगे जब तो। वहाँ तो चोर बाजार बैठा है, सारा का सारा चोर बैठा है, विदेश से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में देंगे। जुमलोबाज की सरकार है, 10 साल में 10 बार यहाँ के सांसद इस क्षेत्र में कभी नहीं आए हैं सही से, यही क्षेत्र का लोग उसको पहचानते भी नहीं है, बस जाके वहाँ संसद में कुर्सी पे बैठ जाते हैं, 10 साल में 10 बार नहीं बोले। इस बार तो उसको कहीं कोई पहचानता नहीं है, क्लीन स्वीप हो जाएगा वो, बहुत बहुमत से चंद्रभास चौपाल जीतेंगे यहाँ से सुबह लोकसभा से। हाँ ये पूरे महागठबंधन और भी तो एक पर एक धुरंधर है भाई, बहुमत से जीत रहा है, दलिया उम्मीदवार भी है उसका भी दलिया कैसे रहता है, लेकिन अपना अपना सब काम करता रहे। की पार्टी का भी कोई मायने है कि नहीं, राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी भी है ना, उसका भी वोट बैंक प्लस पॉइंट है ना। ये निर्दलीय तो शुरुआत कर रहे हैं, क्या लगता है जो मतलब MY कारगर हो जाएगा? सारा सब कोई MY नहीं, सारा पूरा देश बदलाव की तरफ MY, है MY हाँ। है ना सब है हमारे साथ, सिर्फ MY को मत बोलिए, सारा सब कास्ट एक साथ है। अच्छा। सब साथ मिलके सरकार बदलने की फिराक में है, ये मोदी जुमलोबाज की सरकार है, सारा वादा करता है और सारा अपने दोस्त यार को अपने काला धन लाला के कर्जा माफ कर दिया। यहाँ के देश में मान जो किसी के 2 लाख 4 लाख रुपए कर्जा है तो उसके ऊपर नोटिस हो जाता है, कुर्की हो जाता है, लेकिन वो चोर बाजार अपने दोस्त यार जितने थे अडानी अंबानी जो भी है सारा दोस्त यार का कर्जा माफ कर दिया है। बस सिर्फ कहते हैं हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हम तो जोगी आदमी है, बाबा जी है, झोला लेके चल देंगे। अच्छा। हम लोग कहाँ चले जाएंगे, हम तो निपुतर नहीं है ना, हम तो वंशवाद है, हम कहाँ चले जाएंगे उसके जैसे जोगी बन जाए? झोला लेकर कभी भी देश से बाहर चला जाएगा, देश का आदमी को कहेगा कभी थाली बजाओ कभी ताली बजाओ, राम मंदिर में जाकर के कटोरा लेकर के भीख मांगो, कैश की यहाँ पे तो है कुछ नहीं। उन लोग तो कह रहा है कि राम मंदिर के नाम से भी विकास हो रहा है, भाई सुनिए ना भाई, राम मंदिर के नाम से भी विकास। हम भी हिंदू है ठीक है, तो हम जब हिंदू है ना तो हम राम मंदिर में जाएंगे, हम हिंदू हैं, कटोरा लेकर के भीख मांगेंगे थे, राम के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। अच्छा। अरे मांगेंगे किससे, पूरा देश तो भिखारी हो जाएगा ना, क्योंकि सब हिंदू के लिए तो राम के नाम पे नहीं अल्लाह के नाम पे मांगे। देखिए ना हमको नहीं तो अल्लाह चाहिए, नहीं तो हमको राम चाहिए, कैश की जिसका अल्लाह है ना वो अपना अल्लाह को मान रहा है, हमारा राम है तो मोदी जी या बीजेपी वाला हमको सिखाया कि हम हिंदू है तो हम राम का पूजा करेंगे, हमारा बाप दादा सदियों से राम को पूजते आ रहा है तो तू हमको सिखाया कि हमको राम को कैसे पूजना है। हमको रोजगार चाहिए, आप बोले थे मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 साल हो गया है, 20 करोड़ नौकरी कहाँ है, आपका पुती में है, झोला में है। अच्छा और ये दाता और दूसरा बात चाचा, चाचा से थोड़ा हम जानते हैं, किधर चाचा किधर वोट एवरी किधर तेजस्वी का वोट देगा हम लोग, मतलब इनके सभा में आए हैं तो उनको ही देना है कि मन में और कुछ चल रहा है? मन में और कुछ नहीं, हम लोग साधु संत है, जिसका बोली दिया उसको देना है। अच्छा जवाब बदलेगा नहीं, कितने रुपया दे देगा हम लोग बदले वाला नहीं है। अपने से मतलब सभा के नाम बोलिए, अपने निष्पक्ष मीडिया छे कि गोदी मीडिया छे, एकदम स्वतंत्र है बोलिए, निष्पक्ष का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र है तो उसको पूरा दिखाइएगा, एकदम दिखेगा पूरा। दो ठो मीडिया वाला जो है ना जो हम बोलते थे ना उसको काट करके जो थोड़ा बहुत था ना वो दिखाया, हम आपको भी दिखाया एकदम। 15 लाख रुपया जो बोले थे वो 15 लाख रुपया दीजिए, हमको घर बनाना है सर ठीक है। 15 लाख रुपया कहाँ है वो दीजिए, आप बोले थे कि विदेश से जो पैसा आने का बात हो रहा है काला धन जी सर, वो तो बोला कि नोटबंदी करते हैं तो काला धन सब लाएंगे, कहाँ है सर? किसान जो है फूल लटक रहा है, आत्महत्या कर रहा है, आप अडानी को लोन माफ कर रहे हैं, अंबानी को लोन माफ कर रहे हैं, वो आपका कौन है, रिश्तेदार है? किसान जवान पे आप बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, स्वास्थ्य पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, कितना स्कूल बनाए हैं,
कितना हॉस्पिटल बनाए, इस पे सर बात कीजिए ना। हमको राम मंदिर नहीं चाहिए, जिस रोज होगा तो हम खुद का चंदा करके बनवा देंगे। राम मंदिर बन गया है, काशी मथुरा अभी बाकी है, नहीं चाहिए उनारा सर, आपका जमानत जब्त कर देंगे इस बार। मतलब मंदिर मस्जिद से कुछ होने वाला नहीं है, विकास होना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, ताकि हमारा आने वाला जनरेशन, हमारा आने वाला भविष्य जो है, हमसे ये कभी सवाल न करे कि पिताजी हमारे लिए आप क्या किए हैं, जब आप के ऊपर शोषण हो रहा था तो आप सब विरोध क्यों नहीं किए। ये तो चलिए, तमाम जो है यहाँ पे कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के और साथ में जितने भी जनता जनार्दन उनको सुनने के लिए आए हुए थे हमारे साथ, देख सकते हैं युवा लोग भी है, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। काहे भाग रहे हैं भैया, तेजस्वी यादव को सुनने आए थे? हाँ, सुनने के लिए आए थे। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को। अच्छा, रोजगार रोजगार मिलेगा, पढ़ाई लिखाई चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है। क्या लगता है नौकरी उकरी मिलेगा? पूरा 15 अगस्त से बोल रहा है कि जीतेंगे तो 15 अगस्त से 1 लाख का वैकेंसी देंगे, 1 लाख का वैकेंसी देगा जरूर में। अच्छा, तेजस्वी यदि जीत जाएगा 1 लाख का वैकेंसी पूरा देगा। पहले भी बोले थे 10 लाख, कहाँ पूरा हुआ 10? अब की बार करेगा, जीत जाएगा, की बार होगा जी, केंद्र में बनेगा पूरा पूरा। तो चलिए, हमारे साथ तमाम जो है आरजेडी कार्यकर्ता और साथ में जितने भी जनता यहाँ के हैं सुपौल लोकसभा क्षेत्र के, हम आपको दिखा रहे थे यहाँ पर जो है सुपौल लोकसभा क्षेत्र में मेहा सिमर में यहाँ पर आए हुए थे तेजस्वी यादव जी। बाकी जो है आप तमाम चीजों को लेकर क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना राय जरूर रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।